हमारे पास एक स्प्लिट एसी का मोटर आया है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मोटर अच्छे से चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले आइए हम इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको ऐसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको खोलना है। इसको कोई खोलना ज़्यादा बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। तो इसको खोलते ही हमने देखा कि इसके अंदर जो है यह जो है इसके अंदर एक छोटी सी गिट्टी बोलते हैं हमारे भाषा में, या जो कंक्रीट बोलते हैं, कंक्रीट या गिट्टी जो भी वो दिल में है बोल सकते हैं, वो इसमें फंसा हुआ था। इसीलिए ये मोटर वर्क नहीं कर रहा था, जाम हो गया था। अब हम उसको निकाल दिए। निकालने के बाद देखिए फिर इसको हम दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको ये है जो बैरिंग हम नचा के देख रहे हैं, कहीं बैरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैरिंग ऐसे सही है। अभी फ़िलहाल हम इसको देखिए फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद फिर इसको एक बार घुमाकर देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए फिक्स करने का तरीका ये है आसान सा। इसमें कोई स्टार माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्लेट जो है ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको लगाएं, इसको तोड़ कर ना फेंकें, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से टेक्नीशियन इसको क्या करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं और इसी वजह से ये मोटर काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको फिक्स करने के लिए ऐसे हाथ से पुश करिए, एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और थोड़े से हैमर या किसी चीज़ के मदद से इसको थोड़ा ठोकना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो इसको थोड़ा सा ठोक के देखते हैं कैसा हो। अभी ये ठोकने के बाद देखिए कितना अच्छा से ये बैठ गया, अभी ये पूर्ण रूप से बैठ गया है। इसके बाद हम इसको घुमा के देखेंगे। देखिए आप लोग के सामने अच्छे तरीके से ये घूम रहा है। अब घूमने के बाद ये लगाना ज़रूरी है। अब इसको लगाएं, फिर दोबारा इसको लगाते हैं और ये जो हमारा मोटर है ये अभी तैयार हो गया। अभी इसको हम स्प्लिट एसी में डालेंगे, ये सही हो गया।